मान्यवर, आपने जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य करिए हैं, मैं आपका उत्तर प्रदेश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे विश्वास कर चाहता हूं कि आपका हाथ हमारे हाथ सर पर ऐसी ही रहे। आपसे मुझे एक प्रश्न चाहिए। 2014 में जो हमने वादे किए थे, 2019 में हमने पूरे किए, लेकिन इस आधार पर आप हमें यहाँ से किस दिशा में ले जाएंगे, ये जानना चाहता हूँ। हम इस आधार पर और क्या कर रहे हैं, ये मेरे से आपसे प्रश्न है। धन्यवाद महेश जी, बैठिए। देखिए, मैं बात करने से पहले महेश जी आपको ही अपने परिवार की पुरानी चीजों की ओर ले जाता हूं, आपको पुराने किसे याद करा था। बैठिए आप, महेश जी बैठिए, महेश जी बैठिए। अब आप सोचिए, आपको तुरंत ध्यान में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब पहली बार आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदी गई होगी, तब आपको अपने घर में टीवी देखने की कितनी बेचैनी रही होगी। लेकिन जब समय बीतता गया तो फिर आपको कलर टीवी की आवश्यकता महसूस हुई होगी। ठीक इसी प्रकार का अंतर 2014 और 2019 के कालखंड का है। 2014 से 2019 ये एक प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था, लेकिन 2019 से आगे आवश्यकताओं से बात बनने वाली नहीं है। ये समय होगा आकांक्षाओं को पूरा करने का, और मैं इस बात को मानता हूं कि 2014 से 2019 अगर आवश्यकताओं की पूर्ति का काल था, तो 2019 से 2024 आकांक्षाओं की पूर्ति का काल है। 2014 से 2019 बुनियादी जरूरतों को हर घर पहुंचाने का समय था, जबकि 2019 से 2024 आगे तेज उन्नति के लिए उड़ान भरने का अवसर है। 2014 से 2019 का समय फ्रेजाइल फाइव से बाहर निकलने की मशक्कत थी, जबकि 2019 से 24 आगे विश्व की टॉप फाइव अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने का अवसर है। 2014 से 2019 की ये यात्रा निराशा से आशा, आवश्यकता से आकांक्षा, संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाली है। 2014 से पहले भारत में एक ऐसी सरकार थी जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, देश में पॉलिसी पैरालिसिस था, देश को भ्रष्टाचार मुक्त, मजबूत और निर्भीकता से निर्णय लेने वाली सरकार की आवश्यकता थी, और हमने ऐसी सरकार दी है। 2014 से पहले देश का आम आदमी आसमान छूती महंगाई से परेशान था, हमने इससे निजात दिलाने का वादा किया और महंगाई को 2-3% के आसपास ला करके रख दिया। साथियों, हमें इस बात की खुशी है कि 2014 से पहले देश जिन चीजों की आवश्यकताएं महसूस कर रहा था, हमने 125 करोड़ देशवासियों की मदद से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी मेहनत की है। इसलिए आज जब जन आकांक्षाओं को देखता हूं, तो हमारे काम करने का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है, और इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि 2014 का चुनाव देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जनमत था, और 2019 का चुनाव भारत के जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनमत होने वाला है। बीते 5 वर्षों में देश में किस तरह का बदलाव आया है, वो हम सबके सामने है। आज
हर भारतीय बदलाव महसूस कर रहा है। अब इन 5 सालों में ही जब इतना कुछ हुआ है तो सोचिए अगली बार जब हम देश की सेवा करने का फिर मौका मिलेगा, और मुझे विश्वास है मिलने वाला है, तो हम इस मजबूत इमारत को और कितना आलीशान और कितना भव्य बनाएंगे। साथियों, ये सब तब संभव है जब आज जो विकास की दिशा और रफ्तार है उसको न केवल मेंटेन रखा जाए बल्कि उसको और गति बढ़ाई जाए। आप सबको याद होगा कि अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने कई बड़े कार्य किए थे, लेकिन 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई तो सबका सब ठप हो गया, उनकी सारी मेहनत पानी में चली गई, ऊपर से देश को पीछे खींचा गया। फिर से एक बार भ्रष्टाचार जारी रह सके इसलिए आधार को अटकाया गया, कमीशनखोरी के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को अटका दिया गया, राफेल डील को लटकाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की जो गति भारत ने पकड़ी थी वो फिर से अटक गई, आर्थिक सुधार और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की जो गति थी वो भी अटक गई। दूर जाने की जरूरत नहीं है, अरे अभी हाल ही में जिन 3 राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं बन पाई वहां का हाल देख लीजिए, पहले से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं पर कैंची चलाई जा रही है, आयुष्मान भारत जैसी योजना को रोक दिया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसके तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं उसमें भी अड़ंगा लगाया जा रहा है, कई कांग्रेस शासित राज्यों ने तो अभी तक लाभार्थी किसानों की सूची ही नहीं भेजी है। आज हमारी सरकार सिंचाई से जुड़ी 99 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है ताकि अन्नदाताओं को पानी की कमी ना हो। कई योजना पूरे होने की कगार पर है, लेकिन अगर 2019 में कोई चूक रह गई तो ये सब चीजें फिर से एक बार गड्ढे में चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने यही हाल करके रखा था। हमारे आने से पहले भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। बीते 5 वर्षों में सरकार की नीतियों से हम 11 से कूद करके 6ठे नंबर पर पहुंच गए, 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। हम भारत को जल्द से जल्द 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, लेकिन जरा सी चूक से विकास की ये तेज धारा रुक सकती है, और अटल जी का हमें अनुभव है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत को 142वें से 77वें स्थान पर पहुंचा दिया है। जरा सी चूक से फिर से ईज ऑफ करप्शन का बोलबाला हो जाएगा। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सरकारी पैसों की लूट बंद हुई है। देशवासियों के हजारों लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचे हैं। जरा सी चूक हुई तो बिचौलियों की लूट फिर से शुरू हो जाएगी। जरा सी चूक भ्रष्टाचार के महायुग को वापस ला सकती है। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, किसी को देश अभी भूला नहीं है।